हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कॉलम की पोजीशन देते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग कॉलम की पोजीशन किस तरीके से देंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने प्लानिंग के बारे में आपको सारा कुछ बताया कि इतने बाई इतने का रूम रखते हैं, इतने बाई इतने का रूम रखते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह से कॉलम का पोजीशन देखते हैं और उन पोजीशन को किस तरीके से हम लोग उसका लेआउट प्लान निकाल के रखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि लेआउट किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले लेआउट बनाने से पहले हमको कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। आप सोचोगे सर आपने डोर और विंडो नहीं लगाया और आप कॉलम की बात कर रहे हो। हाँ जी, आप डोर और विंडो बहुत इजी तरीके से लगा सकते हो, उसके लिए मैं उसको भी मैं लगा दूंगा। बट अभी हम लोग लेआउट प्लान पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डोर और विंडो तो सबको लगाना लगभग आता है। तो लेआउट प्लान बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले अभी देखिए, हम लोग अभी नॉर्मल ऑटोकैड में एक प्लान ड्रॉ किए थे लास्ट वीडियो में, आपने देखा था। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग लेयर तैयार करेंगे कुछ, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स हमने यहाँ पे तैयार करके रख दिया है। जैसे कि कॉलम्स कैसे तैयार करना है आपको यहाँ पता होना चाहिए। क्रिएट न्यू लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर्स दे देते हैं। और ये इस तरीके से करने के बाद आपके पास ढेर सारे आ गए। सबसे पहले इनको वॉल लेयर पर भेज देता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से वॉल लेयर पर हमने यहाँ पर भेज दिया इस तरीके से। अब वॉल लेयर पर भेजने के बाद अब आपको कॉलम बनाना है, तो आप कॉलम ले लीजिए और कॉलम लेयर लेने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल लीजिए और हमने 9x9 का हमने कॉलम तैयार कर दिया। 99 हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है और यहाँ से आके 9x9 इस तरीके से हमने कॉलम तैयार कर दिया। और कॉलम तैयार करने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये कॉलम प्लेस करना है, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम कॉलम कहाँ पे और कैसे प्लेस करें। तो मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉलम जो होता है मिनिमम 2 to 3 feet मीन्स नियर अबाउट 2 to 3 meter और 2.5 मीटर के बीच में रखना चाहिए मिनिमम। अगर आपका कॉलम मीडियम लेवल का है तो मीडियम लेवल के लिए आपको 5 meter इन द सेंस, अगर हम फीट में बात करें तो इस नियर अबाउट 16.4 feet कॉलम जो होता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की स्पेसिंग 16.4 फीट रखना चाहिए। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम रखने के लिए आपको सबसे पहले तो मैक्सिमम के लिए कॉलम का विड्थ ज़्यादा बढ़ाना करना पड़ेगा। और अगर आपको प्लेस करना है तो आप 7.5 मीटर मीन्स नियर अबाउट 25 फीट तक रख सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि आप 16 फीट के नियर अबाउट ही रखो, मीन्स 5 मीटर के नियर अबाउट, तो आपके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्डिंग इन सेंस रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए इतना इनफ होता है। और 2.5 मीटर भी ओके है, लेकिन इतना पास पास रखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप रख सकते हैं। और जितना गैपिंग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हैवी कॉलम आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे जाके सॉलिड पे जाऊँगा और एक कलर डाल दूंगा इसमें, जिससे कि हमको दूर से ही पता चलता रहे कि अच्छा ये कॉलम है, तो आप इजिली प्लेस कर पाओगे। अब देखिए कॉलम प्लेस करते टाइम सावधानी क्या रखनी चाहिए, जो बहुत कम लोगों मैंने देखा, कई लोग गलत कॉलम रख देते हैं। और मैंने बहुत ढेर सारे इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स देखी जो गलत कॉलम प्लेस किए हैं। देखिए कॉलम प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉर्नर पर क्लिक करना है, और जब इस कॉर्नर पर क्लिक किया तो इसके जस्ट सामने, देखिए अगर सामने नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी लेआउट प्लान बनाने में। जैसे मैं यहाँ पर कर तो रहा हूँ बट मैं चेक करूँगा, ये देखिए थोड़ी सी गैपिंग है ना, ये नहीं, ये गलत है, तो अभी थोड़ी देर में इसको करेक्ट करूँगा। पहले हम लोग सभी जगहों पर कॉलम प्लेस कर लेते हैं। एक कॉलम हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, एक कॉलम हमें यहाँ पर चाहिए और एक कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए। ये कॉलम सीधे में होने चाहिए, अगर सीधे नहीं है, दीज आर नॉट स्ट्रेट, देन इट्स नॉट गुड, आपको स्ट्रेट ही रखना है। आप थोड़ा टाइम लीजिएगा बट कॉलम सही प्लेस करिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक बार प्लेस करके उसके बाद उसको आके उसके पास आराम से एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या गलत है उस कॉलम में। इस तरीके से हमने ऊपर के सारे कॉलम्स तैयार कर दिए, ठीक है। अब ये स्पेन बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन यहाँ पे एक कॉलम आप इजिली प्लेस कर सकते हो इस तरीके से। अभी इनको देखना पड़ेगा, ये स्ट्रेट मुझे दिख नहीं रहे, अभी हम लोग स्ट्रेट देखेंगे इनको। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कॉलम प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ से आप इस तरीके से करिए, और ये पार्टीशन वॉल है तो आपको यहाँ पे कॉलम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कॉलम नहीं भी प्लेस करेंगे तो चलेगा,
एक कॉलम हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे और एक कॉलम हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, वन कॉलम हेयर। देखिए कॉलम काफ़ी गलत प्लेस हो रहे हैं, तो हमको एक बार ठीक करने आना पड़ेगा दोबारा, कोई बात नहीं, एक एक करके करेंगे। और इसके बाद एक कॉलम हमें यहाँ पे प्लेस करना चाहिए। इस तरीके से हमने सारे कॉलम्स तैयार कर दिए। और अब थोड़े से इनके करेक्शन की बात रही, तो इनको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके इनको, क्योंकि हमको पता है कि लेआउट में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको अच्छे से नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से एक लाइन खींचिए। इस तरीके से स्ट्रेट ले सकते हैं लाइन। अब देखिए क्या ये लाइन के स्ट्रेट में है, नहीं है, कोई बात नहीं, इसको मूव करिए यहाँ से। लेआउट प्लान हमको सबको आना चाहिए, ठीक है यार। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको लेयर वगैरह नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब आपने उसका जनरल चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो प्लीज़ पहले जनरल वीडियो आप देख लीजिएगा, काफ़ी ढेर सारे मैंने भी बनाया है, तो उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब मैं दोनों का ये स्ट्रेट हो गया, और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, सही है, ये कॉलम भी हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो नहीं सही है तो कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। इसको मूव करिए, और मूव करने के बाद यहाँ से लीजिए पॉइंट को और यहाँ पे देखिए। तो इसलिए हमको कॉलम हमको बहुत ही बारीकी से ध्यान से रख के रखना है। यस करेक्ट, इस कॉलम को यहाँ से लीजिए और यहाँ से लेके ऐसे इसको मूव कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, क्योंकि वीडियो बड़े जाते हैं यार, जब भी कोई बड़ा टॉपिक लेता हूँ तो बड़े वीडियोस चले जाते हैं, तो आपको लास्ट तक देखिएगा। और प्लस और कोई यार डाउट रहे ना तो आप पूछा करो, क्योंकि आपके ही डाउट थे तो इसीलिए उन्हीं पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं आइडिया लगता कि आपको क्या डिमांड है, लाइक आपको क्या चाहिए, लेकिन जब आप कमेंट करते तो हमको बहुत हेल्प हो जाती है, अच्छा नेक्स्ट टारगेट हमारा ये टॉपिक होना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ तक के कॉलम सही कर लिए। उसके बाद यहाँ आइए, देखिए अगर मैं इसी कॉलम पे लेआउट बना देता बन तो जाता, बट जो काम करने की एक्यूरेसी होती है उसके लिए वो गलत हो जाती है, हमारा नाम भी खराब। और देखिए एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ से कॉलम दे रहे हैं तो ये कॉलम अगर ऐसे प्लेस किया है और ये ऐसा प्लेस है तो ये गलत है। हमेशा कॉलम का फेस एक होना चाहिए। सो अगर आपको ये वाला फेस यहाँ पर रखना है, पहले तो इसको ठीक करिए, उसके बाद अगर ये आपको यहाँ पर क्या यार, हैश करने के बाद बहुत प्रॉब्लम जाती है, कभी कभी मैं हैश करता हूँ, बट हैश करने से दिखता अच्छा है, इसलिए मैंने आपको हैश करके दिखाया। अब जब इसको यहाँ प्लेस करना है तो आपको इसके सीध में प्लेस करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से लिया और यहाँ पर लेके इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। और इस तरीके से प्लेस करने के बाद अब यहाँ लास्ट देख लीजिए, ये सही है, ये भी सही है, बट थोड़ा सा गलत है। इसको मूव करिए यहाँ से, मैं स्ट्रक्चरल प्लान पे ज़्यादा कोशिश करता हूँ यार, क्योंकि आर्किटेक्चर प्लान तो बहुत इजी होता है समझना, तो मैं स्ट्रक्चरल प्लान आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, डोर विंडो भी लगाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पहले लेआउट देख लेते हैं अच्छे से। अच्छा क्या आप एक चीज़ और बताइए, अगर आपको यहाँ पे जानना है कि बीम और कॉलम की भी डिटेलिंग आपको जाननी है कि इनकी डिटेलिंग कैसे करते हैं, तो एक बार नीचे कमेंट करिएगा, एक बार डिटेलिंग का भी हमें वीडियो बना दूंगा इसी सीरीज में, कि बीम और कॉलम भी हमको चाहिए तो हम जरूर बनाएंगे आपके लिए, कि बीम में रेनफोर्समेंट कैसे दिखाते हैं, कॉलम में रेनफोर्समेंट कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए इस तरीके से हमने सारे के सारे लेआउट बना लिया, सॉरी लेआउट नहीं, कॉलम तैयार कर लिए, कॉलम पोजीशंस। अब हमको बनाना है लेआउट, तो लेआउट बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एक कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। अभी हमें बीम बहुत सी चीज़ें प्लेस करनी है, लाइक डोर विंडो ये सब प्लेस करना है, तो हमने इस तरीके से अलग से निकाल दिया इसको। और अब आपको एक लेआउट प्लान यहाँ से ड्रॉ लेना पड़ेगा, लेआउट लेयर हमने यहाँ से ले लिया लेआउट लेयर, और यहाँ पर लाइन टाइप उसका बदलना पड़ेगा, सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सेंटर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, तो आज आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे कि सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ से हमने लाइन लिया एंड जस्ट यहाँ से लाइन लेके इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करिए,
और इसके मिड पॉइंट से जाते हुए इसके मिड पॉइंट पर टकरा जाइए। अब बोलोगे सर इसकी गैपिंग नहीं दिख रही है। हाँ भाई नहीं दिख रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट एल टी एस मीन्स लाइन टाइप स्केल। कई इंटरव्यू पूछ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब, 10 टाइम्स कर दीजिए तो इसका आपको लेआउट दिखने लगेगा। और बड़ा करना है सेलेक्ट करिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं एल टी एस 15, बस बहुत है। इसके बाद यहाँ से जाइए, चलिए आप डायरेक्ट आ जाइए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपने मिड पॉइंट का ध्यान नहीं रखा है तो अच्छे भले मानूस खराब हो जाएंगे। तो प्लीज़ मिड लाइन का ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमने क्लिक किया और यहाँ पे चले गए नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे सीधे आ जाइए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ तक आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से क्लिक करिए एक मिड पॉइंट। देखिए हम क्या ले रहे हैं, हम लोग कॉलम का सेंटर ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम के सेंटर से ही आपको चलना है, इनर वॉल से डिस्टर्ब नहीं होना क्योंकि इनर वॉल का हमें नहीं करना है लेआउटिंग। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर दिया। ओहो यहाँ पे हम तो कॉलम लेना भूल गए, एक कॉलम आप कॉपी कर दीजिए। आई थिंक कॉपी नहीं किया क्या, ओहो भूल गया था सॉरी, यहाँ पे हमने कॉलम नहीं लगाया। तो आप देखिए ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है, हम लोग ब्रह्मा तो है नहीं भाई। तो एक कॉलम लगा दीजिए यहाँ पे, ऑर्थो ऑफ करके एक कॉलम इनके पड़ोसी पे भी लगा दीजिए इस तरीके से। हाँ जी चलिए अब अपने काम पे फिर से लग जाते हैं। चाहो तो ऑर्थो ऑन कर लो आपके लिए बेटर रहेगा, मैंने टेढ़ी ओढ़ी नहीं होंगी। ओके आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टारगेट पे। डन यस डन डन डन, हाँ जी कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, किसका कॉलम का सेंटर। अब इसके बाद कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि सर लेआउट प्लान हमको निकालना आता है, वो क्या करते हैं इसका 5 फीट बाहर निकाल देते हैं इस इनर वॉल का सेंटर लाइन का, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको आउटर वॉल को सिलेक्ट करना चाहिए और इसको 5 फीट बाहर की ओर ऑफसेट करना चाहिए, 5 फीट बाहर की ओर इस तरीके से ऑफसेट, इस तरीके से 5 फीट और फिर इस तरीके से 5 फीट और इस तरह से 5 फीट। ये करने के बाद आपको इनर एंड आउटर वॉल्स को निकाल देना चाहिए। अब वॉल का कोई काम नहीं आपके पास, इनको आप डिलीट कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए कुछ वॉल बच गई हैं, तो इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका, मैं क्या करता हूँ मैं लेआउट लेयर को 1 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूँ और फिर हम इजी तरीके से ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं सबको और एक साथ। मैं ऐसा भी कर सकता था बट आपको मैं दिखा रहा था कि ऐसा भी हमारा काम हो सकता है। और फिर लेआउट लेयर को ऑन कर दीजिए और फिर एक्सटेंड कमांड आपने पढ़ा होगा, एक्सटेंड लीजिए और सबको एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से। एक दूसरे से मिलाना है बाकी कोई काम नहीं। देखिए यहाँ पे मिला दिया, इनको मिला दिया,
आपको अगर आपसे इंटरव्यू अगर हम पूछता है कि आपको लेआउट प्लान बनाना आता है, तो आप उसको टू बी फ्रैंक बताइए, यस सर मुझे, ये इंडस्ट्री बेस में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा खुद का ये रियल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट करना क्या है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम लोग, प्रॉपर देख रहे हैं कि कैसा प्रोजेक्ट होता है इस तरीके से। मैं थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ, तो बहुत देर से बहुत टाइम लगेगा आपको लगेगा। तो डन आई थिंक। नॉट डन, अब एक बार चेक कर लीजिए, अभी डन हुआ क्या यहाँ से? नहीं, ये नहीं हुआ। और यहाँ से इसको लिया हमने, इसको भी डन कर दिया। क्या भाई क्यों नहीं आ रहे हो? यस आई थिंक एवरीथिंग इज डन। तो इस तरीके से हमने सबको जहाँ पे भी हमें ग्रिड चाहिए था हमने ग्रिड लगा दिया, और अब इनर वॉल जो आउटर ईयर हमने लाइन खींची थी, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए और सेलेक्ट करके एरेंज कर देना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे कॉलम के जो पोजीशंस है वो निकल के आ गए। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब क्या करना है, आपको एक सर्किल लेना है, और सर्किल लेके यहाँ पे 1 फीट का, ठीक है, 1 फीट का आप सर्किल लीजिए, और सर्किल लेके इसके अंदर नाम दे दीजिए, नाम इन द सेंस जैसे कि ए बी सी, इस तरीके से कॉलम के पोजीशंस के नेम दे दीजिए। एक चीज़ जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, इसको पहले बड़ा कर दीजिए, तो बताता हूँ आपको। कॉलम मिनिमम आपको 3 मीटर पे प्रोवाइड करना है। कितने मीटर पे? 3 मीटर पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, 2.5 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसके साथ जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखा वहाँ पे, यहाँ पे कि 5 मीटर मिनिमम मीडियम होना चाहिए। अगर मीडियम में आप रख रहे हो तो 5 मीटर रखो, और अगर मैक्सिमम है तो 7.5 मीटर। अब फीट में आप कन्वर्ट कर लो, मैंने अभी बताया कि 5 मीटर का होगा 16.5, और उस थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं, यस 5 मीटर का होगा 16.5। इसके बाद यहाँ से कॉपी लीजिए और यहाँ पे कमांड लीजिए, और कमांड लेने के बाद इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट लेके इस पर प्लेस करिए, 1 2 3 4 5 6। अब इधर पकड़ने के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करने का, इधर जाओ और इधर जाके कॉपी, यहाँ गए और यहाँ पे गए, यहाँ गए, सबको यहाँ भी मिला देना है। तो देखिए आपको प्रॉपर एक लाइन में अगर रखोगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ लोग इसके कलर भी चेंज कर देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और यहाँ पर जाके आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बी, और यहाँ पे सी, सॉरी कैपिटल, अगर एक लेटर रख रहे हैं तो वही लेटर रखे, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। ई, इस तरीके से हमने ई एफ एफ, अब यही चीज सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसका मिरर कमांड लीजिए और ऑर्थोन रखिए, और यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। अब एक यहाँ पे ड्रॉ करता टाइम जाता हमारा, तो हमने क्या किया, इसका शॉर्टकट तरीका ले लिया इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे जाइए और इसको 1 2 3 कॉलम, भाई नंबर गलत नहीं होना चाहिए, अगर नंबर गलत हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और दिक्कत होगी आपको। 4, क्योंकि आपका कॉलम इसी से बनने वाला है। 5,
मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग करता है यार। 6, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरा इतना एफर्ट अगर अच्छा लग रहा है यार, मैं बहुत एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं इसको स्पीड में भी करके जल्दी से कर सकता हूँ, पर आपको समझ आए इसलिए स्लो कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इतना करिए कि आप लोग इसको फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए यार। फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे तो भी इनफ है, सो दैट कि लोगों को लगे कि अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं अकेले अगर मार्केटिंग करता हूँ तो मैं कितनी मार्केटिंग कर सकता हूँ, मार्केटिंग इन द सेंस आप तक पहुँचना। तो मैं अगर चाहूँगा कि अगर आप लोग कर सहयोग करें इसमें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने प्रॉपर बना दिया। अब जैसे आपसे पूछा गया कि ये कौन सा कॉलम पोजीशन है, तो ये है कॉलम नंबर A1। क्या है ये? A1। ये कौन सा है? B1। ये कौन सा है? B2। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कॉलम का नाम भी देते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है हमको इतना कॉलम का नाम देने के लिए। इतना इनफ है आपको लेआउट समझने के लिए कि हम लोग लेआउट प्लान कैसे बनाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। आपको ये कैसा लगा कि लेआउट प्लान हमने किस तरह से बनाया? और आपको पार्ट 3 चाहिए ना, अगर उसके लिए भी उसमें कुछ आपको ऐड करवाना है, जैसे कि डोर विंडो भी मैं पार्ट 3 में मैं मेंशन कर दूंगा, और साथ ही साथ सेक्शन एलिवेशन पार्ट 3 में देखने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो यार, तो मैं नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छे तरीके से ले आने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद।